नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स वर्सेस यहाँ पे खेला जाएगा ट्रेंट रॉकेट्स के बीच में मैच, और नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स यहाँ पे हल्की टीम मानी जा रही है, 28% मार्केट इसको फेवरेट मान रहा है और 72% ट्रेंट रॉकेट्स को फेवरेट मान रहा है। ट्रेंट रॉकेट्स एक बार ऑल जीती भी है, मतलब चार एडिशन हुआ है उसमें सब डिफरेंट टीम जीता है, जिसमें ट्रेंट रॉकेट्स एक विनर है। बाकी अगर बात किया जाए नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स का, तो ये खुद अवेलेबल नहीं है मेरे भाई। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये चौथा मैच खेला जाएगा 11 बजे कल रात में, और इस लीग द 100 का यही डिफरेंस है आईपीएल से मेरे भाई, कि आईपीएल जब होता है तो कोई लीग नहीं होता है, और इसका फायदा आपको देखने को मिलता है कि सारे प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 97 वोट 90 पैसा कोई टीम फेवरेट खुल रही है, वहां से साला 25 बॉल में ही रेट ऐसा सीधा नीचे 20-22 पैसा, यानी बुक सेट। अगर आपने सही रेट पे एंट्री मारा वहां पे, अगर लगा के प्लस किया है, और जो वेट करने वाले पंटर है वो वेट ही करते रह जा रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है कि 25 बॉल में 20 पैसा मिल रहा है, 20 पैसा से सब खाना स्टार्ट कर रहा है, वहां से रेट उठ नहीं रहा, बर्बाद हो जा रहा है पंटर। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि जब खुद के लीग, अपने घर के लीग में बड़े बड़े प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर काहे के लिए लीग कराता है ऐसा, पंटर का क्यों चूतिया काट रहा है ये लोग। जब बड़े बड़े प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है तो एक क्या टीम हो जा रहा है कि ऊपर नीचे हो जा रहा है पूरा तराजू में, एक टीम इतनी भारी पड़ जा रही है, जैसे ये इसमें मैक्सिमम प्लेयर्स अवेलेबल है और इसमें जो है ये खुद कैप्टन अवेलेबल नहीं है, बेन स्टोक्स अवेलेबल है, बड़ा बड़ा नाम अवेलेबल नहीं है, तो जबरदस्ती का बैटिंग लाइनअप जैसा आज बना के खेल रहा था यहाँ पर मैच वेल्स वर्सेस जो हो रहा है अभी, जो अपोनेंट टीम है ठीक है, तो उसका जो बड़ा बड़ा प्लेयर है वो अवेलेबल नहीं है, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स का बटलर नहीं है और बैटिंग लाइनअप ही नहीं है, उस आमिर को बैटिंग करा रहा है 6-7 नंबर पर, तो ये डिफरेंस हो जाने की वजह से रेट तो फिर भी दे दे रहा है, पब्लिक को ये लग रहा है कि रेट नीचे आ जा रहा है तो खाने लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर बैट्समैन अवेलेबल नहीं है तब भी 96 पैसा अगर वेल्थ मिली वहां पे तो लगा के प्लस किया होगा आपने, हमने तो 25 बॉल में ही बुक बनवा दिया 20 पैसे पे, और वहां से वेल्थ हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, और सेशन में ही मोटा 3 से 4 लिमिट प्लस करवा के दिया मेरे भाई। तो जैसा मैच हो रहा है जब तक बड़े प्लेयर्स रिटर्न नहीं करें, क्योंकि वेस्ट इंडीज से इनका टेस्ट चल रहा है, उसके बाद ही सारे प्लेयर्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो फिर हो जाएगा लीग एकदम इक्वल और बैलेंस, तो घोड़ा उड़ना स्टार्ट हो सकता है वहां से ठीक है। 3 से 4 दिन में ऐसे भी टेस्ट खत्म कर देगा ये लोग अब, क्योंकि इनका 100 में ही प्लेयर्स का अवेलेबिलिटी नहीं है, तो कौन सी टीम जीतेगी, सेशन कैसे घटेंगे, ए टू जेड बात करेंगे मेरे भाई। नेक्स्ट लेवल सेशन मैच का काम चल रहा है, सारे मैचेस सारे सेशन पास चल रहे हैं, तो जुड़िए कमाइए मोटा प्रॉफिट करिए मेरे भाई। कैसे करना है देखिए, आप यहाँ पे सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, इसको स्कैन करके और 7425257 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैच और सेशन के लिए। मैच और सेशन का भी टेलीग्राम चैनल का लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए डेमो के लिए। और मेरे भाई जो लॉस है, जहाँ भी लॉस किया, कैसे भी लॉस किया, कोई भी लीग में लॉस किया, आप कुछ नहीं करिए, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए, काम देखिए, फॉलो करिए, जुड़िए, सारा लॉस रिकवर होगा एज इट इज, बस आपको फॉलो कर लेना जो बोलूंगा ठीक है। फॉलो करिए, कमाइए, निकलिए, 13 डिग्री टेम्परेचर, चांस ऑफ रेन है ही है वहाँ पे, रेनी सीजन से अभी तो होगा, तो 89% 70-80% की ह्यूमिडिटी लेवल है। और सर्फेस के बारे में बात किया जाए हेडिंगली लीड्स, तो काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग सर्फेस यहाँ पे देखने को मिलता है, सर्फेस अच्छा है, लेकिन बारिश वारिश की वजह से थोड़ा सा वहाँ पे स्टिकी बाउंस देखने को मिलेगा, ओल्ड ट्रफेड में हुआ तो वहाँ भी होगा, जिसकी वजह से अभी तक 3 मैच में तो यही देखने को मिला कि फर्स्ट 25 बॉल वही है नया बॉल रहेगा, बारिश कंडीशन मॉइस्चर की वजह से बॉल स्विंग हो रहा है, विकेट जा रहा है वहाँ पे, और उसके लिए सेशन सारे नॉट जा रहे हैं और सब सेशन येस हो रहा है, यहाँ पे पंटर येस कर रहा है, तो ये गलती से थोड़ा बचिए, सेशन अगर ऊपर भागता है 40-40 से तो नॉट करके चल सकते हैं ठीक है। ओवरऑल बैटिंग करने के लिए सेकंड बैट थोड़ा अच्छा हो जा रहा है, जैसे जैसे धूप पड़ रही है, पिच पर सूख रहा है, तो बैटिंग थोड़ा आसान हो जा रहा है नो डाउट। 62 मैचेस हुआ है, 42 बार फर्स्ट बैट, 25 बार सेकंड बैट, 1 मैच टाइड है, एवरेज देखिए 180 के करीब करीब है, तो ये काफ़ी अच्छा बैटिंग सर्फेस है मेरे भाई। ये T20 पॉइंट ऑफ व्यू से आप मान लीजिए 9 का रन रेट, तो 150 मिनिमम एक्सपेक्टेड है यहाँ पे इस वेन्यू पे 100 बॉल में कितना मारना पड़ेगा, दैट विल बी अ एवरेज स्कोर नॉट अ विनिंग टोटल। अगर सरफेस का बात किया जाए तो काफ़ी बढ़िया बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सरफेस है, 260 हाईएस्ट है यॉर्कशायर का, 82 यहाँ पे लोएस्ट भी है, 150 से नीचे 13 बार ही लगा है, 152, 169, 9 बार, 172, 181, 21 बार और एवर 190 25 बार, मतलब आप सब देखिए सब में से सबसे ज़्यादा 190 बार सबसे ज़्यादा लगा है, मतलब 25 बार, काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग सर्फेस है ये। देखिए 158 का तो क्या ही वैल्यू, 2 विकेट पर ही चेंज हो गया, 5 विकेट पेसर, 2 विकेट स्पिनर्स, 2 में से 1 विकेट पेसर, 1 विकेट स्पिनर्स, 182 मारी डिफेंड हुआ, 6 में से 6 विकेट पेसर्स, 9 में से 5 विकेट पेसर्स, 4 विकेट स्पिनर, 85 फिर डिफेंड हुआ ठीक है। ओवल इनफिनिसिबल का मैच है मेरे भाई, ये देख सकते हैं ये द 100 का मैच चल रहा है, ये T20 का नहीं है, और उसमें 160 के करीब करीब अगर बोला जाए तो 9 पॉइंट कुछ का रन रेट यहाँ पे 100 बॉल में चेंज हो रहा है, मतलब 180 का टारगेट हो गया ये आराम से हुआ ठीक है, और 182 तो मतलब ये 200 प्लस का टारगेट है, तो ये प्रेशर स्कोरबोर्ड प्रेशर से यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, बाकी वो भी 185 के करीब करीब पहुँची गई थी टीम, तो 5 में से 3 विकेट पेसर्स, 1 विकेट स्पिनर्स,
और देखिए दूसरा 8 में से 4 विकेट पेस है, 3 विकेट स्पिन है, तो 24 विकेट पेस है और स्पिनर्स के पास 21 विकेट है लास्ट 13 अगर बात किया जाए तो 3 मैच में। अब देखिए यहाँ पे ये सरफेस काफी अच्छा बैटिंग सरफेस है, तो इस जब भी फ्लैट डेक देखने को मिलता है उसका ये मतलब होता है कि दोनों तरफ रेट आएगा, तो आना चाहिए। अगर नहीं आए तो कहने का मतलब है कि एक टीम हल्की है तो उसके बैट्समैन नहीं है, तो फिर वहां पे फिर से एक होगा कि सही टीम पकड़िए, सही रेट पे एंट्री लीजिए तो वहां से आप जीतिएगा, नहीं तो फिर आपको लॉस करवा सकते हैं, क्योंकि अभी अनइवन टीम चल रहा है, अनइक्वल है, बैलेंस नहीं है टीम में एकदम। 3 मैच हुआ, एक मैच यहाँ पे जीती है नॉर्दर्न, दूसरे मैच जीती है ट्रेंट रॉकेट्स, एक मैच हुआ हेडिंगली जो कि होम ग्राउंड है इनका, उसमें ट्रेंट रॉकेट जीती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लास्ट 5 मैच से तो लगातार 5 मैच हारी है नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स, लास्ट ईयर बहुत घटिया परफॉर्मेंस की थी मेरे भाई और इसलिए सबसे लोएस्ट भी आंका जा रहा है इस साल कप को जीतने के लिए। ट्रेंट रॉकेट्स का लॉस विन लॉस विन लॉस है, तो ये भी लास्ट 5 में से 2 ही जीती है, 3 हारी है। टीम कॉम्पिटिशन लास्ट 10 मैच पकड़ते हैं तो ये 5 मैच जीती है, 4 मैच जीती है, 148 एवरेज है, 201 हाईएस्ट, 183 लोएस्ट है इनका, देखिए 193 हाईएस्ट, 121 इनका लोएस्ट है। इस वेन्यू पे एक मैच खेली है, 10 मैच खेली है, यानी इनका होम ग्राउंड है नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स का, लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, 3 ही मैच जीते हैं, 156 एवरेज है और 200 हाईएस्ट, 128 अगर बोला जाए तो लोएस्ट है इनका। देखिए एक मैच खेले वो जीते 155 के करीब एवरेज है, तो दोनों टीम से ये तो निकल रहा है कि एवरेज 156 के करीब करीब रन लग रहा है, 156 लगेगा तो बहुत रन होगा क्योंकि अभी तक इतना रन लगा ही नहीं है 100 में। ठीक है, और सेशन टीम्स के बाद ये तो 35, 76, 116, 165 ये बहुत ज़्यादा आंक लिए, थोड़ा सा नीचे आइए इसमें से। ठीक है, अगर देखिए बैटिंग सरफेस बहुत अच्छा है तब भी फिर भी मैं बोलूंगा कि 35-30 तो यस नहीं करिए, जैसा सिचुएशन देखने को मिल रहा है रेनी कंडीशन की वजह से स्लोनेस है, बॉल स्विंग हो रहा है, तो जितना नीचे मिले 30 से नीचे मिले तो वेल एंड गुड है, यस करिए। ठीक है, फिर यहाँ पे 50 बॉल में अगर बात किया जाए तो कम से कम अगर विकेट विकेट जाता है 30 लगता है 35 लगता है तो आपको मिलेगा 60 के करीब, 60 यस करना है। फिर यहाँ पे आपको 75 बॉल में 90-95 के करीब यस करना है और ये आपको कम से कम 140 या 145 के करीब करीब अगर मिले एडवांस लंबी पे तो यस कर सकते हैं। अब प्लेइंग 11 का बात किया जाए तो एडम होज, देखिए जेसन रॉय, ग्राहम क्लार्क, निकोलस पूरन, ओलिवियर जॉर्ज रॉबिन्सन या ओली रॉबिन्सन बोल सकते हैं, बेन डॉर्चेस, जॉर्डन क्लार्क, आदिल रशीद, कैलम पार्किंसन, रिस्ट टॉपली और थॉमस लॉवेस। इधर देखा जाए तो एलेक्स सैम हेन, एडम लाइट, टॉम बेंटन, लेविस ग्रेगरी, रॉबिन पॉवेल, इमाद वसीम, लुक वुड, रायली मेरेडिथ, राशिद खान, सैम कुक, तो ये टीम इंटैक्ट दिख रही है। राशिद खान और यहाँ पे अपने निकोलस पूरन बाहर हो चुकी है माई न्यूयॉर्क, तो उसके बाद यहाँ से प्लेयर आके शिफ्ट होकर खेल भी सकता है, चांसेस पूरा पूरा है, एक दिन का गैप मिल चुका है तो प्लेयर आ चुका होगा। ठीक है, इधर देखिए 8, 63, 45, 7, 17 एडम होज थोड़ा फॉर्म में है, ग्राहम क्लार्क 13, 0, 6, 21, 0 तो ये भी फॉर्म में नहीं है, रॉबिन्सन का 2, 21, 4, 0, 41 इनका बेसिकली काम है बॉलिंग ऑलराउंडर का, बैटिंग थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर देता है, 27, 27, 12, 69, 26 ये देखिए तो T20 में कुछ मतलब बहुत साल से इनका फॉर्म उतना दिख नहीं रहा, कभी बड़ा स्कोर भी नहीं खेल पाए, 1 है 69। ठीक है, MLC खेल के आ रहा वो अलग बात है, तो इनके पास टच रहेगा, इनको बहुत कुछ प्रूव करना है, इन पे ये चूज भी नहीं हुए थे 100 में, बाद में फिर इनको लिया गया। ठीक है, बैकडोर से पूरन का देखिए 8, 35, 36, 26, 4, 1 तो ये भी कुछ फॉर्म में नहीं है, बेन डॉर्चेस बैटिंग भी कर लेता है 1, 1, 1, 0, 3, जॉर्डन क्लार्क 23, 7, 10, 11, 5, 3, 2, 1, 1, 0, आदिल रशीद 1, 2, 1, 1 इनको तो जरूर पिक करिएगा, विकेट निकालेगा, कैलम पार्किंसन 2, पार्किंसन 2, 1, 3, 0, 1, रीस टॉपली 2, 1, 1, 0, 0, थॉमस लॉवेस का बात करें तो 1000, एलेक्सेस अभी LPL में फॉर्म में थे 6, 36, 3, 38, 66 इनको कैप्टन बना सकते हैं, एडम लाइथ 8, 22, 30, 4, 6 ये भी कुछ फॉर्म नहीं है, लेवेस ग्रेगरी 7, 6, 12, 9, 19, 0, 11, 3, 0 तो बोथ बैटिंग बॉलिंग से कंट्रीब्यूट कर सकता है, सैम हेन 94, 52, 14, 98, 76 ये जबरदस्त फॉर्म है, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों में बहुत अच्छा ऑप्शन है और इसलिए ये टीम फेवरेट रहने वाली है कल के मैच को जीतने के लिए। ट्रेंट रॉकेट्स 28, 8, 79, 17, 77 ये भी अभी टॉम बेंटन आपने देखा तो बहुत जबरदस्त फॉर्म दिखा रहे थे जहाँ खेल रहे थे T20 प्लस वहाँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ इमाद वसीम को देख सकते हैं 17, 4, 3, 4, 15, 1, 2, 1, 0, 0, रोमन पॉवेल 1, 36, 26, 1, 23, ल्यूक वुड 0, 3 उसके बाद 000 है। अब इधर देखिए यहाँ पे रायली मेरेडिथ 1, 0010, राशिद खान 55, 5, 17, 14, 7, 50, 0, 3, 1, 2, 3, 2, 1 तो ये देखिए बैटिंग से ज़्यादा इस बार कंट्रीब्यूट करके दिया क्योंकि कोई बैट्समैन चल ही नहीं रहा था हमारे न्यूयॉर्क में, तो बैटिंग यहाँ पे 2.50 है और विकेट भी निकाला है, सैम कुक 0, 1, 0, 1, 1। अब इधर देख सकते हैं निकोलस पूरन के साथ एलेक्स हेल्स, जेसन रॉय, मैथ्यू शॉट नहीं अवेलेबल है, सैटनर भी अवेलेबल नहीं रहेगा, इमाद वसीम, रोमन पॉवेल, आदिल रशीद, ल्यूक वुड, रिस्ट टॉपली, राशिद खान, तो यहाँ पे कैप्टन आप यहाँ पे बना सकते हैं इमाद वसीम या फिर एलेक्स हेल्स फॉर्म में है, सैम हेन फॉर्म में तो उनके साथ जा सकते हैं,
और वाइस कैप्टन राशिद खान यहाँ पे बढ़िया ऑप्शन रहने वाले। बाकी ड्रीम इलेवन की अपडेटेड टीम चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके ज्वाइन करिए 7428525767 पे कॉन्टैक्ट करिए। मैच ऑफ सीजन के लिए और मैच ऑफ सीजन का टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे जाके ज्वाइन करिए। डेमो के लिए काम देखिए वहाँ पे जाके। चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।